हाय, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू कल्याणी हलदार किचन। तो आज शाम के लिए हम देखिए एक ये सब्जी बनाने जा रहे हैं। इसे हम चौलाई की फली भी बोलते हैं और बहुत जगह में इसे बरबटी बोलते हैं और बहुत जगह में इसे लॉन्ग बीन्स बोलते हैं। और देखिए कितनी फ्रेश है और इसकी सब्जी हम बना रहे हैं। साधारण सी बनाएंगे, इसमें ज़्यादा मसाला नहीं डाल रहे हैं। तो अभी कट करके इसकी हम सब्जी बनाते हैं। तो चलिए देखिए रेसिपी हम किस तरह बनाएंगे। मैंने ये शॉपिंग बोर्ड पे देखिए सब्जी को लिया है। मैं इसे स्मॉल स्मॉल पीसेस में चॉप कर लेती हूँ। इसमें मैं कोई दूसरी सब्जी, आलू या मटर कुछ नहीं मिला रही हूँ। सिंगल सब्जी बनाएंगे। इस तरीके से मैं इसको पूरी सब्जी को काट ले रही हूँ। देखिए सब्जी बनाने के लिए हमने ये कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है 2-3 चम्मच। तेल गरम हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा, क्योंकि सिर्फ जीरे से ही सब्जी बनेगी, हम इसमें कुछ नहीं डाल रहे हैं। इसमें अब मैं डाल दे रही हूँ ये वेजिटेबल। जीरा जलना नहीं चाहिए, इसलिए इसी आँच पे रखा है गैस को। अब हम थोड़ी सी आँच बढ़ा ले रहे हैं, सौते कर लेते हैं 2-3 मिनट। और इसको थोड़ा हम 5-10 मिनट के लिए थोड़ा सा फ्राई करेंगे। सब्जी देखिए थोड़ा हमने 5-10 मिनट करके थोड़ा इसको जीरे के साथ फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं गैस की आँच कम कर दी थोड़े ड्राई मसाले। ये थोड़ी सी हल्दी डाल दी मैंने 1/2 चम्मच के करीब। थोड़ी सी लाल मिर्च डाल रही हूँ 1/2 चम्मच के करीब। और ये थोड़ा सा धनिया है, बस इतना ही मैं डाल रही हूँ। आज इसको मिक्स कर लेते हैं। मसाले जितने कम हो सब्जी का टेस्ट उतना ओरिजिनल टेस्ट आता है सब्जियों का। और इसके साथ में मैं डाल रही हूँ ये कटे हुए देसी टमाटर। 2 टमाटर लिए मैंने, ये मैंने डाल दिया है। और साथ ही में मैं डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक। मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। और अब इस सब्जी को हम सिम आंच में कवर कर देते हैं और कम से कम 15 मिनट पकने के लिए टाइम लगाते हैं। देखिए मैंने कवर कर दिया, गैस को भी सिम है। 15 मिनट के बाद हम चेक करेंगे कि यह सब्जी पक गई है या नहीं। चलिए सब्जी को एक बार चेक कर लेते हैं। टमाटर एकदम सॉफ्ट हो गए हैं, सब्जी रेडी हो गई है। लास्ट में हम इसमें
थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, आधा चम्मच, ज़्यादा नहीं, नहीं तो ये बहुत तेज हो जाता है, सब्जी तीखी हो जाती है। साथ में हम डाल रहे हैं गार्निशिंग के लिए हरा धनिया, मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारी छोला की फली की सब्जी और बरबटी की सब्जी और लॉन्ग बीन्स की सब्जी बिना लहसुन प्याज अदरक किया है, सिंपल सी बनाई है, रेडी हो गई है। होप आप सबको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।